आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम किसी n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों के योग के बारे में जानेंगे। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? जी हां, ये सभी बहुभुज हैं। किसी n भुजाओं वाले बहुभुज में n अंतः कोण तथा n बाह्य कोण भी होते हैं। अब एक बहुभुज के बाह्य कोणों से आप क्या समझते हैं? आइए इसे एक षटभुज की मदद से समझते हैं। AB को बाहर की तरफ आगे बढ़ाइए, जो कोण बहुभुज के बाहर AB और BC के बीच बनेगा वो कोण B का बाह्य कोण कहलाएगा। इस आकृति में षटभुज के सभी बाह्य कोण दिखाए गए हैं। मान लीजिए कि आप एक षटभुजाकार बगीचे में हैं। आप शीर्ष A से शुरुआत करते हैं और विरोधी दक्षिणावर्त दिशा में बगीचे की सीमा पर एक बार घूमते हैं। आप A से शुरुआत कीजिए और AB की दिशा में चलें। B पर पहुंचते ही आप कोण एक घूमते हुए BC की दिशा में चलते हैं। आइए इस कोण एक को हम दाईं ओर इस तरह दर्शाते हैं। C पर पहुंचते ही आप कोण दो घूमते हुए CD की दिशा में चलते हैं। कोण दो को भी दाईं ओर दर्शाते हैं। ये प्रक्रिया आप तब तक जारी रखें जब तक आप शीर्ष A पर वापस नहीं पहुंच जाते और हर बार बनने वाले कोण को दाईं ओर दर्शाते जाएं। इस तरह आप बगीचे के बाहर घूमते हुए उसका एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। ऐसा करने पर आप देखते हैं कि बगीचे का एक चक्कर पूरा करने में बनने वाले कोणों को जोड़ने पर वो एक वृत्त का निरूपण करते हैं और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का कुल माप 360 डिग्री होता है। इसका उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि षटभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। आइए अब इन आकृतियों के बाह्य कोणों पर चर्चा करते हैं। यदि हम इन आकृतियों को गत्ते के टुकड़े पर बना इनके बाह्य कोणों को काटकर इस तरह रखें तो हम देख सकते हैं कि ये भी षटभुज की समान एक वृत्त को निरूपित करते हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों आकृतियों के बाह्य कोणों का योगफल भी 360 डिग्री है। निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। आज इस वीडियो में हमने सीखा बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।